हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एसबी ऑर्डर नंबर 3 को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एसबी ऑर्डर नंबर 1 और 2 को कवर किया था और ये जो एसबी ऑर्डर है वो 2023 के हैं। तो आज हम लोग एसबी ऑर्डर नंबर 3/2023 को कवर करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है क्लरिफिकेशन ऑन प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ एनएससी अकाउंट प्लेस इन फेवर ऑफ बैंक्स। सिंपली इस सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में एसबी ऑर्डर को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझे एनएससी क्या है। तो एनएससी का पूरा नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एनएससी का पूरा नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये एनएससी का पूरा नाम है राष्ट्रीय बचत पत्र। एनएससी क्या है? एनएससी पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है जिसके तहत खाता खोला जाता है और कोई भी खाता है एनएससी का, उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है 5 वर्ष का। और सामान्यतः यानी कि जनरल कंडीशन में सामान्यतः एनएससी के अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं। पीएमसी का मतलब है प्री मैच्योर क्लोजर। एनएससी के अकाउंट्स जब भी खोले जाते हैं वो 5 वर्ष के लिए खोले जाते हैं। सामान्य कंडीशन पर, नॉर्मल कंडीशंस में प्री मैच्योर अकाउंट नहीं होता है। प्री मैच्योर क्लोजर का क्या मतलब है? प्री मैच्योर क्लोजर का मतलब है कि अकाउंट किसी व्यक्ति ने खुलवाया 5 वर्ष के लिए और किसी व्यक्ति को अपने पैसे की जरूरत पड़ती निकालने के लिए, यानी कि अगर वो चाहे कि 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष बाद पैसा निकालना चाहे, या कोई 2 वर्ष बाद पैसा निकालना चाहता है, या कोई 3 वर्ष बाद पैसा निकालना चाहता है, यानी कि जो पूरा टाइम है मैच्योरिटी का, उस मैच्योरिटी के समय से पहले कोई पैसा निकालना चाहता है, उसे कहते हैं प्री मैच्योर क्लोजर। तो एनएससी के जो अकाउंट्स हैं वो प्री मैच्योर क्लोजर उनका नहीं होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके लिए क्या क्या कंडीशन है कि एनएससी के अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज होते हैं? दोनों ही बातें अलग अलग हैं। सबसे पहले आप लोग समझें कि सामान्य कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में एनएससी के जो अकाउंट्स हैं वो प्री मैच्योर रूप से क्लोज नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें एनएससी के अकाउंट प्री मैच्योर रूप से क्लोज किए जा सकते हैं। और वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? वो कंडीशन है सबसे पहले कि जो खाता धारक है सिंगल अकाउंट का है। सिंगल अकाउंट का मतलब होता है कि उस खाते में एक ही व्यक्ति हो। सिंगल अकाउंट में एक व्यक्ति होता है, ज्वाइंट अकाउंट में एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के खाता खुलवा सकते हैं। तो अगर कोई सिंगल अकाउंट का अकाउंट होल्डर है, उनकी डेथ हो जाती है, या फिर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर में से किसी एक की या एक से ज़्यादा की मृत्यु होती है, तो उस केस में भी एनएससी के अकाउंट प्री मैच्योर रूप से क्लोज किए जा सकते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में यह है कि एनएससी के अकाउंट को किसी व्यक्ति, किसी अधिकारी के लिए, किसी संस्था के लिए, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए प्लेस करते हैं, तो उस प्लेस के बाद में उस प्लेस को अगर जब्त किया जाता है तब उस अकाउंट को प्री मैच्योर रूप से क्लोज कर सकते हैं। प्लेस का क्या मतलब होता है? प्लेस का मतलब आप लोग इस तरीके से समझें कि ये एक संस्था है, ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को सुरक्षा राशि के रूप में, सिक्योरिटी जो डिपॉजिट्स होती हैं उसके तहत इस संस्था को कुछ पैसे देने थे, तो वो क्या करते हैं कि एक उतने अमाउंट की एनएससी करवा के इस संस्था को दे देते हैं और ये संस्था उस अकाउंट को या उस एनएससी को अपने पास में रखती है जितने समय के लिए उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में एनएससी किसी अन्य व्यक्ति के लिए दे दी जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है प्लेज। अब जब कोई व्यक्ति किसी संस्था के लिए किसी एनएससी को प्लेज करता है और एनएससी को रिलीज भी किया जाता है, रिलीज कब करेंगे, यानी कि ये संस्था कब रिलीज करेगी? जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी को 1 वर्ष के लिए रखना था या 5 वर्ष या 10 वर्ष के लिए रखना था, तो 10 वर्ष बाद में
इस एनएससी को ये संस्था उस व्यक्ति को देगी, वो व्यक्ति जा करके इस एनएससी के अकाउंट को रिलीज करवाते हैं और रिलीज करवाने के बाद में इसका जो पैसा है वो स्वयं जो व्यक्ति है जिसने एनएससी ली थी वो उसका अमाउंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से एनएससी प्लेज चलती है और रिलीज चलती है। तो किसी संस्था के लिए अगर कोई व्यक्ति प्लेज करता है किसी एनएससी को, क्या करता है, कोई व्यक्ति किसी संस्था के लिए किसी एनएससी को प्लेज करता है और किसी कारणवश ये जो प्लेज की हुई एनएससी को जब्त करना है, यानी कि उसकी सिक्योरिटी जो डिपॉजिट्स थी, सुरक्षा के रूप में जो राशि हम लोगों ने ली थी और हम लोगों ने एनएससी ली, यानी कि उस संस्था ने क्या ली थी, एनएससी ली थी, अगर इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को उन्हें जब्त करना है किसको, किसी संस्था को, तो वो क्या करेंगे कि इस एनएससी को जब्त कर लेंगे और इस एनएससी को वो प्री मैच्योर रूप से क्लोज करवा करके उस अमाउंट को ले सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी गजेटेड ऑफिसर जो प्लेस की गई एनएससी है उसको प्री मैच्योर रूप से क्लोज करवा करके सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को ले सकते हैं। तीसरा, किसी भी एनएससी को प्री मैच्योर रूप से क्लोज किया जा सकता है कब, जब ऐसा करने के लिए कोई कोर्ट या न्यायालय ऑर्डर कर दे, उस केस में भी एनएससी को प्री मैच्योर रूप से क्लोज किया जा सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस एसबी ऑर्डर में क्या था, इस एसबी ऑर्डर में यह था कि जो हम लोग एनएससी को किसी के लिए प्लेज करते हैं, यही से इसमें डाउट था कि क्या जो एनएससी प्लेज करते हैं क्या वो किसी बैंक के लिए भी प्लेज की जा सकती है क्या। तो इसका आंसर था यस, बैंक्स के लिए भी एनएससी को प्लेज किया जा सकता है। तो एसबी ऑर्डर नंबर 3 में इतना ही था। और ये कहां से डाउट निकला था, ये तमिलनाडु सर्किल ने अपने डाउट को रखा था और उस डाउट के जवाब में इंडिया पोस्ट ने एसबी ऑर्डर नंबर 3 रिलीज किया और कहा कि किसी भी बैंक के लिए एनएससी को प्लेज किया जा सकता है। और इसके बाद में एक अमेंडमेंट भी आया था, यानी कि एक शुद्धि पत्र भी आया था। ऑफिस मेमोरेंडम किसके लिए था, ऑफिस मेमोरेंडम में भी यही बताया गया था कि एनएससी को किसी भी बैंक के फेवर में प्लेज कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। उस एनएससी को जब्त करना चाहते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त करना चाहता है कौन, बैंक चाहती है कि एनएससी को उन्हें जब्त करना है, तो क्या इस एनएससी को प्रीमैच्योर रूप से क्लोज किया जा सकता है क्या। तो इसका आंसर है यस, इसे प्रीमैच्योर रूप से क्लोज किया जा सकता है और बैंक प्रीमैच्योर करने के बाद जो राशि होगी उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के डिफॉल्ट के रूप में या हर्जाने के रूप में अपने पास में रख सकती है। तो ये था एसबी ऑर्डर नंबर 3 और इसमें एक जो शुद्धि पत्र था उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट हम लोग करेंगे एसबी ऑर्डर नंबर 4। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड, ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।